जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। खरीदा जी सर? कितने का खरीदा? ये 67। पंजाबी जो दस्तो 60,000 रुपये का। ईद के हवाले से बात, अल्लाह ताला हर किसी को खुशियाँ नसीब करे। अली शेर कहाँ से आए हैं आप? रिक्शे वाले हैं? हाँ जी। कहाँ लेके जा रहे हैं ये? ये भूल गया भाई, भूल गया, किधर और ले जाएगा? अंजरवाल। कितना किराया ले आई? 500 रुपया। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा अब्दुल रहमान। कितने का जानवर लिया? सही मिल गया। तो ईद से अगर पहले, यानी आज ईद वाला दिन है, तो कल अगर रेट इसका पूछते या लेते तो कितने का मिलता है? ये कल तो बहुत महंगा था, रात के इधर पुलिस आ गई, इसलिए ये सस्ता हो गया। वो सबको पकड़ के ले गए, सबको पकड़ के ले गए। अब ये सस्ता हो गया? हाँ, ये सस्ता हो गया। ये और एक दफ़ा आए फिर और सस्ता हो जाएगा मेरे अंदाज़े। अच्छा, एक दफ़ा पुलिस आए तो ये और कितना सस्ता हो जाएगा? तकरीबन ये 40,000 का हो जाएगा। 40,000 रुपये का हो जाएगा। ये इधर अकेले खड़े रहेंगे, इन्हें कोई किसी ने नहीं। अच्छा, कोई ईद के हवाले से कोई मैसेज दे पाकिस्तान को, मुसलमान भाइयों को? ईद मुबारक है सबको, सबको ईद मुबारक है। ठीक हो गया। लो जनाब, माशाल्लाह 50,000 रुपये का जनाब ये लिया है, और ईद के दिन की ये ख़रीदारी है कि ईद के दिन ये इन्होंने ख़रीदा। और कह रहे थे, मजाक में कह रहे थे कि रात को पुलिस जो आ गई वो सस्ते हो गए, और अब ये हंजरवाल जा रहा है 500 रुपया किराए पे। ये देखें। तो लो जनाब, माशाल्लाह, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को जनाब सब्सक्राइब करना है। लो जनाब, रेट भी थोनों दस रहा बेटा। किन्ने पैसे हैं बकरे दे? 70? 60,000। दो दंदा ने बेचे 60,000 रुपया जनाब। ईद वाले दिन का अज का रेट जोड़ा कोई 60,000 रुपया। तो जरा मुनासिब करके रेट कि हो जाएगा थले 55 तिकर हो जाएगा। लो जनाब, 55,000 रुपया तिकर हो जाएगा। अपना नाम की है जी? मुश्ताक। लो जी, ऐसी मुश्ताक भाई से माशाल्लाह। यह देखो, यह जानवर की जोड़ी है, बहुत खूबसूरत जनाब जोड़ी है। जोड़ी के किन्ने पैसे? 2.5 लाख रुपया मांगते ने। मुनासिब है। तो किन्ने उम्र किन्नी होगी इन्हें? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल दोंदे चौके हो गए? ठीक है। तो किन्ना मुनासिब रेट हूँ किन्ना? अज तो ईद का दिन है, तुम्हें पता रेट गिर गया। डिग्गा करके मुनासिब दसिया नहीं, तो कल अं 4 लाख रुपया मांगते। कल 4 लाख रुपया मांगते सो? हाँ जी। तो अज कि मांग रहे हो? अज मांग 2.5 लाख। अज 2.5 लाख रुपया जानवर बकाया रह गए? अच्छा, 6 जानवर खले ने तुहाडे कोले, इन्हां दा 2.5 लाख रुपया हो गया। ते ए जिहड़े हैगे ने इन्हां दा वी रेट दस दिओ नाल दी नाल। इक्को ही रेट ते खरीदे आ। अच्छा। और बिल्कुल जायज़ मुनासिब करके दे रहे, भी क्योंकि ईद हो गई आ ते दे दोगे ते चली गई। ठीक हो गया। हुण आपां देणे ही देणे आ। हुण तां देणे ही देणे। हुण भाई देणे बंदे आ। हुण तां देणे ने, क्योंकि 6 बकरे ने, कड़ा कोई इक्के। ये कड़ा होवे ते ओह खैर ना आ। हकी सची नुकसान होंगे, नुकसान उसका तो नुकसान ही नुकसान है सारा। ये पता की आई खो नहीं ले रहे, अं एक चीज आप खरीदया, अगो किराया भी क्डना, दिहाड़िया भी क्डन, भी सारा खर्चा भी इन्हें बड़ा खर्चा बहुत हों, खर्चा बहुत हों। यानी कि तुहाडी, तुसीं कहंदे जे साडी खरीद जिहड़ी इन्नी है 1.3 लाख ही है हकी सची। 1,30,000 रुपए साडी अपनी खरीद है, 1 बकरे। ठीक, छोटा वड्डा ठीक है। खैर, इस तो छोटा तो है नहीं सी। अच्छा, रेट सारे का एको जिहा ही है? एको जिहा ही है। जो भारे के नाल ला के ठीक हो गया। रात जमें आ बनी है इस तरह, ये यानी हौला भारा ना ला दें, 19-20 का फर्क रखी दा, ज्यादा नहीं। 19-20 का फर्क हों? हाँ। ठीक हो गया। लो जनाब, माशाल्लाह, तुम जनाब गल् माशाल्लाह सुनिया ने। तो लो जनाब, होर तुहानू विजिट करवाने हैं और अगे चलने हैं। अज दे रेट जिहड़ा ईद वाले दिन, अज दे रेट वगैरह की हैगे ने, वह भी तुहानू दिखाने हैं। और जो दोस्त जिहड़े ने खरीदारी कर रहे हैं, वो खरीदारी भी तुहानू दस्सने हैं कि खरीदारी
किन्ने पैसों के कर रहे हैं। और यह छोटा जहा देखो सौदा भी हो रहा है, यह देखो यह बकरा जो है इस टाइम और गाहक बजाता ही गाहक सगो गाहक लै तो बकरा दे किन्ने किन्ने पैसे मंगे जी किन्ने पैसे एंदे? एक लाख रुपया आंडल है, एक लाख रुपया जी आंडल है, ठीक हो गया। लो जी एक लाख रुपया मंग रहे हैं तो उनका सौदा होया किन्ने दा है किन्ने दा मैं कोई बिचो तोड़ लैने नहीं नहीं कोई नहीं ओदे ना यार वो पैंट दा उदू मेरे दे देता बगा किन्ने दा पैंट दा लो जी 65,000 रुपए दा ऐ देखो बकरा जिहड़ा है ब्लैक कलर दे विच ऐ भी मेरे ख्याल आंडल ही है आंडल की घसी है वेख लई मैनू आंडल लगदा जवाब तू देना ही अल्लाह दे ऐ ना आवे के तू कवे के इंज ते ये ते वो हां इनू खोल के ना किसे बकरे दे नेड़े कर दो बकरी दे नेड़े किधर कर लो जी 65,000 रुपए का टोटो टोटो टोट यार वो चाहना अगर उन्होंने टोरन तो दे 65,000 रुपया उन्हें देना देख लो तसली कर तसली लो जनाब 65,000 रुपए का जो है ना वो भाई लेने जा रहे हैं ये वाला तो बकरा जो है वो ठीक नहीं है और देख ले भाई कोई गल नहीं उन्हें तो कुर्बानी वास्ते लैके जाना है उन्हें कड़ा कू रखना और देख लो और की हो गया भाई जान है लेके कसी लो जी 65,000 रुपए का जो है ना सौदा इसका अभी बाद वगैरह हुई है लेकिन लिया नहीं है और कह रहे हैं जी मशीनी ये खसी है और वो बकरा जो है ना वो आगे ये आंडल है वो लेके जा रहा है। लो जनाब ये बकरा आप देखें मक्खी जीना बकरा है जी बड़ा बकरा है। ए वीर जी कितने पैसे मांग रहे हो इन्हें? 1.5 लाख रुपया चौगा छिगा है चौगा जी 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। कितने का लिया है भाई? माशाल्लाह ले जी 22,000 रुपए का लिया ये बकरा कुर्बानी के लिए। और कहाँ से आए हैं जी? चूंग से आए। चूंग से ठीक हो गया ठीक मिल गया है 22,000 रुपए में ठीक हो गया जी। कितने दांतों में है? खीरा फिर भी चलो 22,000 रुपया के बीच भी तो लाभ लाभ हाँ 22,000 हाँ जा रहे जी पक्का खीरा भी नहीं हाले इतने रवान जी। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब ईद मुबारक हो जी पहले तो जनाब कितने का लिया आज? 30,000 ईद के दिन 30,000 रुपए का वो रियायत नहीं किया उन्होंने? नहीं उसने एक ही बात किया उसी पे दे दी। अच्छा मांगता कितने थे? मांगा ही 30 है ठीक हो गया तो ठीक पैसे ठीक हो गया। कहाँ से आया जनाब आप? 12 आप 12 अच्छा आप 12 कोई ईद के हवाले से मैसेज दे? ईद के हवाले से कुर्बानी सबको करनी चाहिए अल्लाह ताला ने आपको अगर हिम्मत ताकत दी है तो अच्छी कुर्बानी करनी आगे दी है ईद मुबारक है।
ले जी माशाल्लाह रेट चेक आपको करवाते हैं। कितने पैसे बेटा इसके? 65,000 रुपया। कितने दांतों में है? 4 चौका। 65,000 रुपया जनाब ये मांग रहे हैं 4 दांतों में। इसमें कितनी कमी पेशी हो जाएगी सर? ये है ना 5-10,000 की कमी हो जाएगी, मतलब 55,000 तक ना रोक तो 80,000 की साड़ी खरीद ही। अच्छा 80,000 रुपये की खरीद है तो वैसे रेट कितना लग गया ईद के दौरान? रेट तो लग रहा है 30-35। अच्छा 30-35,000 रुपये लग रहा है तो 80,000 रुपये जी फिर थोड़ी आप भी खरीद देना फिर कि मर गया मरदूद ना दम ना दरूद है लोग मजबूरी का फायदा चुकते मरे न होर मार दे मरे न मार दे। अच्छा किड़ी जगह तो शरीफ लैके आए हो? लो जनाब कहते हैं 80,000 रुपये की साड़ी अपनी खरीद है लेकिन 30-35,000 रुपये का रेट ला रहे हैं तो काफ़ी दुख तकलीफ होंगी है। तो हाँ जी थानू भी दुख तकलीफ होंगी जनाब किन्ने का बेच रहे हो? 30,000 रुपये का लिया ही 30 है लग रहा माशाल्लाह 16,000-15,000 वही मतलब फिर वो आम रूटीन के उत्ते ही आ गया फिर काम बुद्ध मंडी समझते पैने ईद तो फिर खत्म हो गई 15-16,000 रुपये लग रहा जी हूँ तो तोल के बकरे ला रहे तोल के कहते तोलो जिन्ना वजन होगा उस हिसाब से पैसे लगे पैसे कई दफा के उ कई जगह के उ पॉइंट लगाए भी हुए हैं 1200 रुपया 1100 रुपया रेट कटे कुर्बानी हो जाती किस तरह तोल के देखो पता की है इस हवाले है कि उन्होंने तो बकरा लेना है भावें तोल के दे दे भावें जिमें उन्होंने जिन्हें लेना उन्हें बकरा लेना या तो वो अगले अंग की जाते हैं हूँ वो गां के 7 अंग कर लेंगे जिन्हें को नहीं गुंजाया जो कट्ठे पैसे पा के लै लेंगे चलो वो तो ही ना ठीक है मगर कीमत उन्नी बन जाती है तोलिया की जे तोलिया घाटा हो तो कोई बकरा तोल के ना दे एक बार देख वो कपड़ा करो ये तो 5,000 घाटा पै गया उन्होंने पता है 10 पट्ठे खवा लैन गए पानी पिया लैन गए लतोलो बई रेट आपका उत्तर ही लैम गए कन्न भावें इधरों फड़ लो तो भावें इधरों फड़ लो लैन आला भी हुशियार है तो वेचन वाला भी हुशियार है हाँ ये कोई मसला नहीं अगले बैठे पट्ठे पाई आते हैं जो टटकी हुए हैं 20 किलो जी अस्सलाम वालेकुम जी कितने का लिया जनाब आज ईद के दिन? 40,000 का लिया माशाल्लाह सही मिल गया। वैसे व्यापारी कितने पैसे मांग रहा था? 75,000 रुपया मांगा अब 45 पे आ गया ईद के दिन की यानी खरीदारी डाउन हो गई है। रात को हम 3 बजे कर रहे हैं मंडी में लेकिन ये 60 से नीचे नहीं दे रहे थे अब ये 40,000 रुपये में मिल गया। ये देखें जी माशाल्लाह 40,000 रुपया का मिल गया आपको। और किस जगह से आए हैं जनाब? ये मुल्तान रोड से। मुल्तान रोड क्या नाम बेटा आपका? आपका कोई ईद के हवाले से मैसेज? ईद के हवाले से यही है कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करनी है जैसे भी बच्चे खुश हो जाते हैं ज़रा अल्लाह भी खुश हो जाते हैं। और ईद मुबारक। हाँ जी आप मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी जी ईद मुबारक हो हमारी तरफ से भी और पाकिस्तान और मुस्लिम भाइयों की तरफ से भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब कितने का लिया है जी? 130। कैसा रेट अभी जा रहा है? माशाल्लाह नॉर्मल है कंपैरेटिवली रात से कम है। रात से कम हो गया यानी मंडी गिर गई है। कहाँ से आए आप? मैं जबूर जी लाहौर से। ईद के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? जी बस ये सुन्नत इब्राहिमी है तो हमें कुर्बानी के साथ साथ इस सुन्नत को भी जिंदा रखना चाहिए। कुर्बानी बेसिकली जो है वो जी बिस्मिल्लाह कुर्बानी जो बेसिकली है वो एक नीयत है जिस नीयत से आप कुर्बानी दे रहे होते हैं बेसिकली यही कबूल होती है तो लोगों को नीयत अपनी खाली कर। और ईद मुबारक कह दें? ईद मुबारक साहब को मेरी तरफ से भी। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। लाहौर वाले सानू रोटी
ਹੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਧਰ ਆਪ ਲੁਟਿੰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਆ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਏ ਲੁਟਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੁਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਲੁਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਮੇ ਆਏ ਹੈ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਕੋ ਕਿਸੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਆਪ ਹਮਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਹਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ अच्छा जी दूसरी बात ये रही कि मंडी का जो रेट है अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है ठीक है और जो हजरात ये कह रहे हैं कि रेट बहुत आप है हम कुर्बानी नहीं कर सकते उनसे मेरी गुजारिश है एक बार मंडी ज़रूर चक्कर लगाएं अल्हम्दुलिल्लाह कल 12 बजे के बाद मंडी का जो रेट था वो डाउन हो चुका है आप आएँ क्योंकि सूरत इब्राहिम अदा करें और ये फ़र्ज़ है और जो नहीं अदा करेंगे वो गुनाहगार होंगे इसलिए मेरी आपसे इल्तमास है कि आप आएँ निकलें घर से क्योंकि निकलेंगे तो हिला करेंगे तो वो वसीला इंशाल्लाह ताला बनेगा बहुत शुक्रिया तमाम पूरे वर्ल्ड को मेरा मेरी तरफ से ईद मुबारक खैर मुबारक और जो लोग ईद उल फितर ये जो कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह ताला हम सब की मुसलमानों की कुर्बानी को कबूल फरमाए आमीन जी अस्सलाम वालेकुम जी ईद मुबारक हो जनाब भाई आपको जी तो कितने का लिया जी ये 1,11,000 का लिया जी 1,11,000 ਦਾ ਰੇਟ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ 1,40,000 ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਈਦ ਗਈ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ 11 ਤੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਜੋੜੇਪੁਰ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਗਏ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਓ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ ਦੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੋਰੀ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਾ ਰੋਲਾ ਪੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਆ ਜਾਓ